पूर्णिया में बिजली विभाग की लापरवाही ने एक और जान ले ली। मामला डीआईजी चौक का है, जहां एक बिजली विभाग का कर्मचारी पोल पर चढ़कर 11 किलो वाट की लाइन ठीक कर रहा था कि तभी लाइन में अचानक करंट आ गया, जिसे कर्मचारी झुलस गया। आनन फानन पर मौके पर मौजूद लोगों ने लाइन को काट कर कर्मचारी को नीचे उतारा और इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक कर्मचारी की मौत हो चुकी थी। मार रहे थे, देखे कि अचानक बिजली के पोल पे आदमी लटका हुआ है, सर उसको उतार रहे हैं और उसका शायद घर कोट स्टेशन संत कबीर नगर के पास है। वहीं जब इस बारे में बिजली विभाग की लिपिक से बात की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आज सुबह तड़के 4 बजे भोर में किसी ट्रक ने हमारे पोल और ट्रांसफार्मर को धक्का मारकर वो भाग गया। जैसे हम लोग को खबर मिला, हम लोग अपने मानव बल और का जो गैंग रहता है, गैंग वहाँ बनाने के लिए भेजे और वो आदमी काम कर रहा था तार में, अचानक कहीं से वो उसमें लाइन आ गया। अब उसका कैसे घटना हुआ इसका हम लोग जाँच करवा रहे हैं, वो कहाँ से हुआ, जो कहीं ना कहीं हुई है। और उसके बाद वो आदमी हुआ, फिर अस्पताल हम लोग ले गए, लेकिन वहाँ डॉक्टरों की लापरवाही से बहुत वो लोग अटेंड किए, हम लोग ने काफ़ी हंगामा किया, हमारे जो सहकर्मी थे और हम लोग वहाँ पर थे, काफ़ी हंगामा करने पर फिर भी डॉक्टर अटेंड नहीं है, तो हम लोग उसको लेकर मैक्स 7 अस्पताल में भेज, जब तक वो आदमी सर तो वो जिंदा था, लेकिन उस बीच रास्ते में फिर वो जो जैसे वो पहुँचा वहाँ मैक्स 7 में, डॉक्टर ने संदिग्ध घोषित कर दिया। ये कोई पहला मामला नहीं है जब बिजली विभाग की लापरवाही से किसी की जान गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर लापरवाही करने वालों के खिलाफ कब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।